आज जनपद शामली की झिंझाना पुलिस व एसओजी टीम ने सुबह करीब 4 बजे दो बदमाशों को कैराना थाना क्षेत्र के भूरा गांव से घेर लिया। पुलिस से खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें दो इनामी बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक बदमाश भूरा गांव के रहने वाले। जिन पर लूट हत्या डकैती जैसे कई संगीन मुकदमे चल रहे हैं, दोनों बदमाशों पर पुलिस द्वारा इनाम भी घोषित है। मृतक नौसा डैनी पर 50,000 का यूपी पुलिस व 50,000 का हरियाणा पुलिस का व उसके साथ ही सर्वर पर 12,000 का इनाम घोषित है। गैंग ऑफ कैराना के नाम के गैंग का था सरगना नौसा डैनी। मुठभेड़ में बदमाशों द्वारा चलाई गई गोलियों से झिंझाना थाना अध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, जो कि थाना क्षेत्र कैराना के रहने वाले थे, भूरा गांव के, और इन पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इनाम चल रहे थे, जिसमें कि ट्रिपल मर्डर जैसे संगीन अपराध और लूट, रंगदारी आदि जैसे अन्य संगीन अपराध इन पर दर्ज थे। और सुबह जो है पुलिस को सूचना मिली इनकी लोकेशन की, जिस पर पुलिस ने कि घेराबंदी करने का प्रयास किया, जिसमें कि आमना सामना होने पर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, और जिसमें जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाशों को गोलियां लगी और हॉस्पिटल जाते समय उनकी मृत्यु हुई। सर, इन पर क्या मिला है, इन पर हथियार क्या? इन पर काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस और असला मिला है, पिस्टल्स मिली है, बंदूक मिली है, डबल बैरल मिली है, और काफ़ी इनसे असला मौके से बरामद हुआ, जिसके द्वारा इन्होंने पुलिस पार्टी को फायरिंग की। सर, कुछ परिजनों ने कुछ एक महिला मुखबर पर आरोप लगाया कि इसने हमारे इन दोनों को बुलवा दिया। कोई भी हो सकता है, और आरोप लगाने के लिए डेफिनेटली इसमें मजिस्ट्रेट जांच भी होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी, तो अगर कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है डेफिनेट कार्रवाई होगी। बट ये बिल्कुल ही क्लीन एनकाउंटर है, जिसमें कि बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई है, और जो परिजन है, परिजनों से, जैसे जब ये बदमाश फरारी काट रहा था उस समय परिजनों से काफ़ी बार प्रयास किया गया संपर्क करने का, तब परिजनों ने बिल्कुल अनभिज्ञता जताई कि उनके किसी तरह से कोई संपर्क में नहीं, और आज अचानक से जब उनके द्वारा कहना कि वो घर से गया है, तो अगर वो घर से गया है तो क्यों परिजनों ने ये सूचना पुलिस को नहीं दी, जबकि परिजनों की जानकारी में था कि ट्रिपल मर्डर है, हरियाणा की पुलिस कई बार आई है उसकी तलाश में, तो क्यों परिजनों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी, अगर उनको ये इस तरह से लगता है घर से हो गया। सर, कोई मर्डर में जिम्मेदारी कोई कहीं उसमें शामिल थे दोनों बदमाश? जी, ट्रिपल मर्डर में शामिल थे, जिसमें 10,000 के नाम करनाल से थे। तो हरियाणा को? जी, हरियाणा से ट्रिपल मर्डर में, और यूपी से रंगदारी के प्रकरण में वांछित चल रहे थे करीबन 1 साल से। दोनों पर सर? नहीं, उस जो दूसरा व्यक्ति है उस पर लूट, चोरी और 307। टीवी 100 के लिए कैमरामैन दीपक कुमार, ट्रिपल मर्डर की रिपोर्ट।